सभी के समक्ष मुंशी प्रेमचंद जी की एक रचना प्रस्तुत करने वाली हूँ, ईदगाह। परंतु इसके पूर्व मैं आपको मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था। प्रेमचंद जी ने हिंदी कहानी और उपन्यास की ऐसी परंपरा का विकास किया जिसने पूरी सदी के साहित्य का मार्गदर्शन किया। उन्होंने कुल 14 उपन्यास, 300 से कुछ अधिक कहानियाँ, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तकें तथा आदि लिखी थी। इन्हीं में से कुछ रचनाएं जैसे मंदिर और मस्जिद, माँ, ईदगाह, कर्म का फल इत्यादि। इस कहानी का मुख्य विषय है कि बच्चे वास्तविक रूप से मन के सच्चे होते हैं। यह कहानी मुसलमानों के पवित्र त्योहार ईद पर आधारित है। इसमें हामिद नाम का बच्चा जो अपने दादी माँ अमीना के लिए अपनी खुशी को त्याग कर चिमटा लाता है क्योंकि दादी की उंगलियाँ तभी से जल जाती हैं। इसी रचना का एक अंश मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ था? मैंने मोल लिया है। कई पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुई कुछ खाया ना पिया, लाया क्या चिमटा? बोली, सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाग से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया और स्नेह भी वह जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना लुढ़जाया होगा। इतना जब इससे हुआ कैसे? वहां भी अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। और अब एक बड़ी विचित्र बात है, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था और बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। वह रोने लगी, दामाद फैलाकर हामिद को दुआएं देते जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें